देखो, तो हम लोग बोला ना कि पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ चुके थे, ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ चुके थे। अब है हमको कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। दो इंटीजर को अगर तुमको मल्टीप्लाई करना हो तो तुमको साइन ध्यान रखना है कि माइनस माइनस, मेन जो होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। जैसे अगर मल्टीप्लाई करना है 16 by 9, तो पहले तो दो ब्रैकेट लिए 16 into 9 144, ठीक है, 144 लिख लिए। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मान लिए कि लिखा हुआ है -53 by 18, ठीक। तो मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या लिखोगे, पहले दो बॉक्स ले लो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, -53, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18। पहले साइन लिखेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या माइनस दे देना, 53 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 18, तो 54, और यहां से 90 4 5 9, यहाँ लिखेंगे 9 5 4, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 9 5 4। चलो, अगर समझ में आ गया तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके दिखा के -36 को मल्टीप्लाई करना है -50 से, -50, -36 मल्टीप्लाई बाई -50 करो। तो कितना होगा देखो, सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि -36 मल्टीप्लाई बाई -50, दो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 36 into 50 1800। समझ में आ गया? तो सेम उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास, जैसे यहाँ पर दो टर्म है, दो टर्म है तो इजिली बता देंगे कि अगर दो माइनस हो तो प्लस, एक माइनस हो तो माइनस। अगर मान लो बहुत ज्यादा माइनस रहता है, जैसे कि मान लीजिए तुमको दिया हुआ है -3 into 4 into -2, सबसे पहले तुम माइनस काउंट करो कि टोटल माइनस कितना, वन टू, टू माइनस है, मतलब टू जो है इवेन नंबर है। तो अगर नंबर ऑफ माइनस दो टू हो तो इसका मतलब प्लस होगी। ये दिमाग रखना कि अगर माइनस जो हो वो टू हो, 4 6 8 10 डॉट डॉट, इतना माइनस हो तो हम लोग लास्ट में साइन जो देंगे वो प्लस का देंगे। और अगर माइनस मेरा 1 3 5 7 डॉट डॉट हो तो लास्ट में माइनस देंगे। तो यहां पे माइनस कितना है, दो है, तो फाइनली मेरा साइन क्या हो गया, प्लस का। तो साइन क्या हो गया, प्लस का। अब तुमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12 12 2 जा 24, ये सिर्फ 24 हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो लिखा हुआ है -1 into -1 into -1 into -1 into -1, तो पहला बताओ कि साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस माइनस, क्यों, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है लास्ट में साइन हम देंगे माइनस का। और वन को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो वन ही आएगा, ये हो गया मेरा वन, ठीक है, समझ में आ गया।